जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक मारुति सेलेरियो गाड़ी है, पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट, और इसके अंदर सारे लाइटें आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह आ रहा है कि गाड़ी चलती चलते झटका मार के बंद हो रही है। तो हमने इसका लगाया स्कैनर गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखाऊं। तो इसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्रैंक सेंसर है वो मतलब रेंज कवर नहीं कर पा रहा है, मतलब सेंसर में ख़राबी आया। तो हम इसका सेंसर खोलेंगे और देखेंगे क्या ख़राबी है, मतलब कोई कार्बन कचरा जमने की वजह से है या सेंसर में ही वाकई ख़राबी है। तो हम उस सेंसर को चेंज करेंगे और चेंज करते हुए भी आपको दिखाएंगे। मैं आ गया गाड़ी के बाहर और इसका जो सेंसर होता है वो अल्टरनेटर के पीछे लगा हुआ, मतलब इंजन के पीछे साइड होता है अल्टरनेटर के नीचे। तो उसके लिए हम इसका अल्टरनेटर वाला बेल्ट हटाएंगे और हाथ जिसमें हम मतलब हाथ घुसा के काम करने में आसानी हो जाए, और पीछे सेंसर है उस सेंसर को निकालेंगे बाहर और आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने सेंसर बाहर निकाल लिया और सेंसर में कितना गंदगी लगा हुआ है। और लेकिन हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे कि सेंसर सही है या गलत, तो हम इस सेंसर को चेंज करेंगे। देख सकते हो कितना गंदगी जमा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो क्रैंक सेंसर आ गया है, अब मैं क्रैंक सेंसर को लगाऊंगा। ये नया है और ये पुराना, और साउंड ख़राब आएगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गुड़गांव के अंदर, इसीलिए मैं आप सेंसर लगाता हूँ और आप गाड़ी ओके है या नहीं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और मैं एक बार इसका फॉल्ट को चेक करूँगा अभी आ रहा है या नहीं। तो मैं चले जाता हूँ बैक सबसे पहले और इसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा, कोड को इरेज करना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ और फिर चाबी ऑन करके मैं एक बार कोड को इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा स्कैनर को, और एक बार डाटा को कलेक्ट करूँगा चेक करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैं दोबारा एक बार इंजन में चेक कर रहा हूँ, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। तो मैं चला जाऊँगा इसको पेंडिंग में, अगर फॉल्ट होगा तो पेंडिंग में दिखना चाहिए, पेंडिंग में भी कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। और मैं एक बार सीएनजी में देखूँगा कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी है ये, तो सीएनजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएनजी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें भी मैं पेंडिंग में चेक करूँगा, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो गाड़ी हमारी ओके हो गई है। तो मैं एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये चश्मा हटा देता हूँ, गाड़ी वाले का है, बुजुर्ग आदमी है। तो ये देख सकते हो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, कोई लाइट नहीं है, सब परफेक्ट है बिल्कुल। गाड़ी देख सकते हो एक्सेलेटर लेने पे आरपीएम काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही हो गई है गाड़ी। इसका क्रैंक शाफ्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, क्रैंक मतलब क्रैंक सेंसर का, क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन का दिखा रहा था, मैंने आपको दिखाया और गाड़ी हमारी ओके हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। साउंड क्लियर नहीं आएगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।